गोपनीय संदेश भेजने के लिए व्हाट्सएप की जगह स्वदेशी ऐप इस्तेमाल करेगी भारतीय सेना। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी अनकट में बात करेंगे सेना द्वारा तैयार किए गए खुद के मैसेजिंग ऐप साई यानी सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट की। भारतीय सेना ने दावा किया है कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम और संवाद जैसे कमर्शियल ऐप की तरह ही भारतीय सेना ने भी अपना खुद का एक इंटरनेट बेस्ड मैसेजिंग ऐप तैयार किया है। इस ऐप को नाम दिया गया है साई यानी कि सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। भारतीय सेना का दावा है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम की तरह ही इस ऐप के जरिए आप टेक्स्ट भेज सकते हैं, वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं और वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। खास बात यह है कि भारतीय सेना ने दावा किया है कि ये इससे जो मैसेजिंग जो की जाएगी या बातचीत की जाएगी वो पूरी तरह से इंक्रिप्टेड होगी, यानी कि इसमें आप बातचीत को बहुत मुश्किल होगा कि इसको हैक करना, इंटरसेप्ट करना। ठीक वैसे ही जैसे कि व्हाट्सएप पे आप कॉल करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है उसको हैक करना, उसको ट्रैक करना या फिर उसको इंटरसेप्ट करना। ठीक ऐसे ही भारतीय सेना ने जो इंटरनेट बेस्ड ये मैसेजिंग ऐप तैयार किया है साई, इसमें भी यही सुविधाएं हैं। लेकिन भारतीय सेना के मुताबिक क्योंकि ये इन हाउस ऐप है, क्योंकि भारतीय सेना के एक सर्विंग कर्नल शंकर साई ने इसको तैयार किया है इस ऐप को, तो भारतीय सेना का दावा है क्योंकि सर्वर्स जो हैं भारतीय सेना के पास होंगे, इस ऐप के साथ ही जो कोडिंग की गई है वो भी भारतीय सेना के पास होगी, इसलिए ये बहुत सिक्योर ये ऐप होगा और इसको कोई दूसरा एजेंसी जो है वो इसको पढ़ नहीं पाएगी। जैसे कि हम देखते हैं कि व्हाट्सएप के लिए जो व्हाट्सएप जिसको जो चलाती है कंपनी चलाती है कमर्शियल कंपनी, वो मैसेजिंग मैसेज जो है पढ़ सकती है। जैसे कि हम देखते हैं क्योंकि क्राइम होता है तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, पुलिस हैं, वो उस एजेंसी के पास यानी कि व्हाट्सएप के पास जाकर उन मैसेजिंग को देख सकती है कि कौन कौन से किस किस को मैसेज किए गए हैं। लेकिन ये जो सर्वर होगा ये भारतीय सेना के पास होगा यानी थल सेना के पास होगा, इसलिए इसके जो मैसेजिंग होगी या वॉइस कॉल होगी या वीडियो कॉलिंग भी होगी वो कोई और देख नहीं सकता। इसको बहुत मुश्किल होगा इसको हैक करना, ये भारतीय सेना ने दावा किया है। भारतीय सेना ने साफ तौर से कहा है कि इस मैसेजिंग ऐप को जो भारत की सबसे बड़ी साइबर एजेंसी है सर्टिन यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, उसने भी वेट किया है यानी कि उसने भी इसको हरी झंडी दी है। इसके अलावा जो सेना का खुद का आर्मी साइबर ग्रुप है उसने भी देखा है कि पूरी तरह से सिक्योर ये ऐप है, इसीलिए भारतीय सेना ने अब दावा किया है, आधिकारिक तौर से दावा किया है कि अब पूरी तरह से जो बातचीत होगी, संवाद होगा सैनिकों के बीच में, वो इस ऐप के जरिए होगा। यानी कि जो भी गोपनीय संदेश अगर कोई भेजना है, किसी को भेजना है कहीं से, बॉर्डर से भेजना, चीन बॉर्डर से भेजना या पाकिस्तान की सीमा से एलओसी से भेजना है, मुख्यालय में भेजना है, तो उसके लिए इस ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा यानी कि सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट यानी कि साई ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि भारतीय सेना ने यह साफ तौर से कहा है कि अभी ये जो ऐप है ये एंड्रॉयड फ़ोन के लिए तैयार किया गया है, लेकिन कोशिशें की जा रही हैं कि इसको जो आईफोन है उनके लिए भी इसको बनाया जाए ताकि आईफोन में भी इस ऐप का इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा भारतीय सेना ने क्योंकि खुद भारतीय सेना के सर्विंग कर्नल ने इसको तैयार किया है इस ऐप को, तो भारतीय सेना इसकी आईपीआर के लिए यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए खुद इसकी प्रक्रिया कर रही है, यानी कि ये भारतीय सेना थल सेना के नाम पे होगा, ये ऐप होगा। इस ऐप को बनाने को लेकर खुद रक्षा मंत्री ने भी जो कर्नल शंकर साई हैं जिन्होंने इस ऐप को तैयार किया है उनको शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी हैं और साथ ही ये भी कहा है कि आत्मनिर्भर की भारत बनने की तरफ एक दिशा का एक बड़ा कदम है, क्योंकि अब पूरे 14 लाख सैनिक जो होंगे इस ऐप को इस्तेमाल करेंगे जो स्वदेशी ऐप होगा, साई ऐप होगा। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि भारतीय सेना जो संवाद करती है या जो बातचीत करती है उसके लिए कई माध्यम है भारतीय सेना के पास, जैसे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी सेट्स होते हैं या फिर आपके पास सेटेलाइट फोन्स होते हैं, लेकिन क्योंकि आपको तस्वीर भेजनी है, कोई फोटोग्राफ भेजनी है, वीडियो आपको भेजना है, तो उसके लिए भारतीय सेना व्हाट्सएप का इस्तेमाल करती थी। लेकिन अब खुद का जो भारतीय सेना ने जो अपना ऐप तैयार किया है साई, इस पर आप तस्वीर भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप भी आप व्हाट्सएप की तरह ही इस पर वीडियो भी भेज सकते हैं, चाहे फिर वो बॉर्डर पर हो, चीन सीमा पर हो या फिर उत्तर पूर्व के राज्यों में हो जहां सेना तैनात रहती है, दूर दराज के दुर्गम इलाकों में, वहां से भी फोटोग्राफ इसी ऐप के जरिए भेजे जाएंगे। रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई देश दुनिया की कोई भी जानकारी या सवाल आप मुझसे जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे इस वीडियो यानी कि एबीपी अनकट फाइनल असॉल्ट के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल या फिर जानकारी पूछ सकते हैं। अगर ये सवाल और जानकारी देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है तो मैं आपको इसका जवाब और जानकारी जरूर साझा करूंगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।